हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और स्मॉल छोटे से ब्लॉग में। तो तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए हैं भाई, हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। तो समस्याओं में जिंदगी चल रही है। तो आज आया हुआ था घर पर और अभी तक खेत पर, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा लग रहा था मुझे। और जो कि आम के पेड़ों में छोटी छोटी कैरी हो गई हैं, जो छोटी छोटी अमियाँ बोलते हैं उनको, तो खाने का मन किया। तो सोचा आपको भी दिखा दूं और थोड़ा सा हमारे गांव का माहौल भी दिखा दूं कैसा हो रखा है। तो ये देख सकते हो, ये हो रखा है हमारे गांव का माहौल। और अभी लगी हुई है खेतों में मूंग की फसल, तो मूंग की कटाई चल रही है। हमारे पिताजी ने, उन्होंने भी मूंग की बुआई की थी, तो वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर वो काट रहे हैं मूंग की फसल। और ये लगी हुई है लौकी, और इस तरफ लगे हुए हैं कैरी, जो छोटे छोटे आम होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो समस्या कुछ ऐसी है कि वो हैं दूसरे के आम के पेड़, तो उनमें लगी हुई हैं। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ और तोड़ता हूँ, कहीं वो गुस्सा ना करने लगे, तो ये रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा। तो मैं घर से ही सोच कर आया था कि चलेंगे तो तोड़ेंगे, तो चलिए ये रिस्क लेते हैं और तोड़ते हैं। तो अगर वीडियो में आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो मेरी पहले से ब्लॉग देखते हैं गाइस, तो उनको पता होगा कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाता हूँ और किस तरीके के मेरे ब्लॉग होते हैं। तो समय मिलता है तो इस तरीके के गांव के हमारे छोटे मोटे ब्लॉग्स आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो शहर में तो आपको आसानी से मिल जाते होंगे, पैसे दोगे आप और आप कैरी खरीद सकते हो छोटे छोटे, तो वो बहुत ही खट्टे होते हैं और ये इस मौसम में मिलते हैं। तो बहुत ही जल्द बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ये छोटी छोटी कैरीज बड़े हो जाएंगे। देखते हैं, गुस्सा ना हो बस भाई, जिसका ये आम का पेड़ है, ये देख सकते हो यार कितने सारे लगे हुए हैं भाई इस पेड़ में। ये देखो का ये आम का पेड़ है भाई, बहुत ही डेंजर आदमी है, तो वो तोड़ने तो नहीं देता, लेकिन अगर हम पूछ कर तोड़ेंगे इस दो ठो खाने के लिए, तो तोड़ने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि इतनी आसानी से हम तोड़ नहीं लेंगे भाई। तो उनसे पूछते हैं और तोड़ते हैं। उनमें इसके साथ खाने के लिए नमक और मिर्च का जो पेस्ट बना कर हम लाते थे, वो भी लेकर आया हूँ मैं पॉकेट में। बैठकर यहाँ पर आसानी से खाऊंगा, मैंने सोचा था जो बचपन की यादें थी उसको ताज़ा करूंगा। तो चलिए पूछते हैं और तोड़ते हैं, दो तोड़ूंगा, तो जिससे कि उसको वो भी गुस्सा ना करे। गाइस, फाइनली हमने दो ठो कैरी तोड़ ली हैं और पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो देख सकते हो यार बिल्कुल नीचे की तरफ लगी हुई हैं, तो ज़्यादा हाइट नहीं थी। तो हमने दो ठो तोड़ ली हैं और अभी चलते हैं मम्मी की तरफ। मम्मी पापा वहाँ पर मूंग जो कि काट रहे हैं, और वहीं पर बैठकर हम दो ठो कैरी खाने वाले हैं। तो भाई खट्टी बहुत तगड़ी होने वाली हैं, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी काट रही हैं कैरी, वो भी इसमें, तो इससे मूंग काट रही हैं, ये देख सकते हो ये कट रही है मूंग। तो किस तरीके का इस साल फसल हुई है देखते हैं, बीज निकाल कर कौन फल देख सकते हो, मूंग ये देख सकते हो भाई कितनी प्यारी हुई है। और यहाँ पर काट दी है, काट लो अब, एक ही काटी है, एक ही बस एक। तो ये रही अपनी कैरी, और ये देख सकते हो हम लेकर आए थे घर से।
ये रहा अपना मिक्सिंग पाउडर, नमक मिर्च तो इसमें लगा कर खाएंगे। ये अपना पूरा देसी जुगाड़ जो हम बचपन में खाया करते थे, आज फिर ट्राई करेंगे। और ये रहे, तू भी खाएगा बे? ये भी खाएंगा। तो गाइस मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अभी आ चुके हैं हम मम्मी पापा के उधर से इधर कैरी खाने के लिए, क्योंकि भाई उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे हम, क्योंकि आप जानते हो भाई कैरी खाते हैं तो कितना ज़्यादा, कोई भी इंसान हो यार कितना डिस्टर्ब होता है, उसका भी खाने का मन करता है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए उनको खट्टा खाने के लिए पापा और मम्मी को भाई मना किया है डॉक्टर ने, तो हम इधर आकर बैठकर खा रहे हैं। और कितनी प्यारी हवा चल रही है, और ये क्लिप मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पहले भी कर चुका हूँ तो उतने अच्छे से आई नहीं, तो सोचा कि दोबारा से क्लिप शूट कर ली जाए। तो यहाँ पर रखा हुआ अपना पूरा जो मिश्रण है अपना कैरी का, ये नमक और ये रहा भाई नमक और मिर्च का पाउडर जो मैं मिक्स करके घर से लेकर आया था कागज़ में रखकर, तो बचपन में ऐसे ही मैं मिक्स करके जो कि ले जाया करते थे हम खेत में और बैठकर आराम से खाया करते थे। और ये रहे, ये कटवा कर लेकर आया हूँ मम्मी के घर से कैरी, तो ये अभी मोबाइल उस पर गिर गया था, थोड़ा सा गंदा हो गया, बट कोई नहीं यार चलता है। तो टेस्ट करते हैं, और शहर में आप आराम से कहीं भी जल्द मैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद बहुत जल्द आपसे मिलूंगा कुछ दिनों के बाद, ऐसी 12-13 दिन बाद फिर ब्लॉग आएगा मेरा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर हम अपने वही रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, शहर में आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मेरे आसपास से हैं तो मैं भेज दूंगा, और जो लोग गाँव से हैं उसको पता है इसकी।